हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम यहाँ पे एंड्रयू मार्वेल की जो गार्डन पोएम हमने कल की थी उसको आज यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी स्टेंजा इसमें रह गए हैं उसको हम आज फिनिश कर दें। तो चलिए फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं। व्हाट वंडरस लाइफ इज दिस आई लेड, राइप एप्पल ड्रॉप अबाउट माई हेड, द ल्यूशियस क्लस्टर्स ऑफ वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, the nectarine and curious speech into my hands themselves to do reach, stumbling on melons as I pass, incerned with flowers I fall on grass। तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें जो पोएट है वो ये कह रहा है कि what a wonderful time I am having in this garden। ठीक है, ये जो गार्डन है जिसमें जिसके बारे में अब तक हमने पढ़ा, अपने अब तक हमने देखा, तो वो कह रहा है कि कितना खूबसूरत है जहाँ पे अभी मैं हूँ, मेरे सराउंडिंग, मेरे अगल बगल जो चीज़ें हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। राइप एप्पल्स हैं जो कि ट्री से लटके हुए जो सेब हैं कच्चे, वो सेब जो हैं वो लटके हुए हैं पेड़ से नीचे, उनकी खूबसूरती जिनको मेरा मेरा जो सिर है उनसे टच हो रहा है, इतनी खूबसूरत वो लग रहे हैं लटके हुए गुच्छे के जो में सेब जो लटका हुआ है। कभी जब आप गार्डन, एप्पल गार्डन में अगर आप जाओगे तो वाकई वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है एप्पल गार्डन। आप अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ विज़िट करिएगा, दिल खुश हो जाएगा, लिटरली खुश हो जाएगा। सो यस, तो वो उनको उसी चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो एप्पल है वो उनके हेड से टच हो रहा है, वो बंचेस में होते हैं एप्पल, सो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर वो कह रहे हैं द डिलीशियस बंचेस ऑफ ग्रेप्स शोइंग ऑन द वाइन कम इंटू सच अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद माई लिप्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो वाइन है, जो ग्रेप्स के जो गुच्छे हैं और उनकी जो वाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में, और वो बहुत ही डिलीशियस है। हमको पता है, आपको पता है कि ग्रेप्स जो एक उसके बंचेस हैं ग्रेप्स के, और उसमें वो डिलीशियस बंचेस हैं वो ग्रेप्स के, और वो इतने जो रो में वो वाइन्स हैं और उस तक वो पहुँच रही है, और जैसे वो मेरे लिप्स को वो क्लोज कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उसका डिलीशियसनेस मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, उसका टेस्ट महसूस कर सकता हूँ, मेरे लिप्स उसको महसूस कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत टाइम जो है राइटर या पोएट आप कह लो वो बिता रहा है उस गार्डन में, और वो अपना जो एक्सपीरियंस वो फेस कर रहे हैं उस गार्डन में रहते हुए वही वो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा लगता है जब आपके लिप्स का कांटेक्ट होता है डिलीशियस ग्रेप्स के साथ, और जब आपका हेड बंचेस ऑफ एप्पल्स से जब आप वहाँ से गुजरते हो तो क्या एटमॉस्फेयर होता है, वो यहाँ पे उसी चीज़ को एलोबरेट कर रहे हैं। आई वॉक दैट देयर जूस एंटर्स माई माउथ। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो मतलब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो जो ग्रेप्स के जूस हैं वो मेरे माउथ के अंदर वो इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, और फिर जो पूरा सराउंडिंग है वो कुल मिला के इस पर्टिकुलर स्टैंजा में वो अपनी जो फीलिंग है, अपने जो एक्सपीरियंस हैं और जैसा वो फील कर रहे हैं उसी चीज़ को ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ वो हमको बता रहे हैं कि जो पीच है उनका, उसको हाथ से जब वो पकड़ते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, तो यही सारी चीज़ें। तो वॉट एवर मेलन्स हैं जो कि ग्राउंड पे ग्रो हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लांटी में, मतलब ज़्यादा मात्रा में वो वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे फ़िलहाल पोएट हैं। आई वॉक ऑन माई फीट स्ट्राइक अगेंस्ट देम एंड माई वॉकिंग इज़ ऑब्स्ट्रेक्टेड एंड इंटेंगल्ड एमंग द फ्लावर्स आई फॉल डाउन ऑन द ग्रास। सो वो कह रहे हैं कि इतना घना सब कुछ है कि जैसे मैं वॉक करता हूँ तो जैसे लगता है कि वो जो इंटेंगल जो उनकी वेन्स हैं, मतलब जो पतली पतली जो उनकी वेन्स फ्लावर्स की हैं और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि मेरे पैरों को वो जकड़ रखी हैं, मैं हिल नहीं पाता हूँ, और एक्सीडेंटली जैसे ही वो पैर में मेरे फंसती हैं और मेरी वॉकिंग ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, मैं ग्रास के ऊपर वो ज़मीन पे गिर जाता हूँ जहाँ पे वो पूरा ग्रास का मैदान, मतलब ग्रास है, घास है। सो वो ग्रासेस, वो
एप्पल, वो फ्लावर्स, वो ग्रेप्स, मेलन्स, पीच, ये सारी चीज़ों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एक गार्डन में होते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, जब आपके हाथों में सेब के पूरे पूरे बंचेस हों, एप्पल के बंचेस हों, आपके लिप्स जो है वो ग्रेप्स के बंचेस को छू रहे हैं, फिर आपके हाथ पीच को छू रहे हैं, पीच जो फल है उसको छू रहा है, पैरों से आपके मेलन्स टच हो रहे हैं, और जैसे आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो आप जो छोटी छोटी वेन्स हैं फ्लावर्स की, उनकी जो डंडियाँ हैं या जो टहनियाँ हैं फ्लावर्स की और छोटे छोटे प्लांट्स की, वो आपके पैरों में जब फंसती है और आप जब गिरते हो तो वो कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर जो है हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हो तो वो सबसे खूबसूरत पल होता है आपके जीवन का, और वो बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है। वैसा एक्सपीरियंस आपको लोगों की कंपनी के बीच में नहीं मिलेगा जो आपको इस गार्डन में मिलेगा। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली ये है कि जो गार्डन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एडन गार्डन ऑफ ईडन से कंपेयर किया है, पैराडाइज से कंपेयर किया है। तो नेचर कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट कराती है कि पैराडाइज कैसी रही होगी, जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं कि बहुत खूबसूरत गार्डन था जो कि जहाँ की एडम को गॉड ने रखा था। तो अगर आप नेचर के साथ बैठते हो और इस तरीके के गार्डन में बैठते हो तो आप उसको महसूस कर सकते हो कि कितनी खूबसूरत वो जगह रही होगी। तो आपकी भी नेचर जो आपके अगल बगल जो नेचर है वो कहीं ना कहीं आपको उस गार्डन ऑफ ईडन का याद दिलाने के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ पे वक्त गुजारिए। फिर जो सिक्स्थ स्टैंजा है वो कहते हैं, मीन वाइल द माइंड फ्रॉम द प्लेजर लेस विदड्रॉ इनटू इट्स हैप्पीनेस, द माइंड दैट कैन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड, येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार अदर वर्ल्ड एंड अदर सीज, एनिहिलेटिंग ऑल दैट मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो राइटर है या जो पोएट है वो कह रहा है, वाइल माई बॉडी रिमेन्स ऑन द ग्रास, ठीक है, वो गिर गए, उनके पैर में वो जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं पौधों की या प्लांट्स की या फ्लावर्स की, वो उनके पैरों में फंस गई और वो ज़मीन पे मतलब घास का जो मैदान है या ग्रासेस की जो वहाँ पे है वहाँ पे वो गिर गए। अब आगे क्या होता है, वो कह रहे हैं कि मेरी जो बॉडी है, ठीक, बॉडी तो मेरी उस ग्रास के ऊपर पड़ी हुई है, उस मैदान में, उस गार्डन के अंदर पड़ी हुई है, उस घास के, ठंडी ठंडी घास के ऊपर मेरा शरीर पड़ा हुआ है। माई माइंड विड्रॉ इट सेल्फ फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसर और इन्फीरियर प्लेजर्स ऑफर्ड बाई द फ्रूट्स। लेकिन जो मेरा दिमाग है, ठीक, बॉडी मेरी उस प्लेजर को फील कर रही है, उसको इंजॉय कर रहा है, लेकिन जो मेरा माइंड है वो मेरे बॉडी से अलग है, वो उसको इस छोटे छोटे प्लेजर्स में जो उसको फ्रूट्स दे रहे हैं बॉडी को, उस प्लेजर में मेरा माइंड इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये है कि जो फ्रूट्स, एप्पल के बंचेस, ग्रेप्स के बंचेस, पीचेस, मेलन्स के जो हमने अभी बात की, वो आपको बॉडी को प्लेजर दे रहा है। ठीक है, आपके बॉडी को वहाँ पे प्लेजर मिल रहा है, उसका टेस्ट आप फील कर रहे हो, उसका टच आप फील कर रहे हो। तो यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मेरा माइंड जो है इन प्लेजर्स को लेसर मानता है जो फ्रूट्स ने ऑफर किए मेरे बॉडी को। ठीक है, वो बहुत ही उसको छोटा मानता है, छोटा प्लेजर मेरा माइंड मान रहा है, और जो मेरा दिमाग है वो मेरे शरीर से बाहर निकल के क्या करता है, माई माइंड सीक्स हैप्पीनेस ऑफ डिफरेंट काइंड, उसको किसी और तरीके की हैप्पीनेस चाहिए, किसी और तरीके की खुशी चाहिए। अब वो खुशी क्या है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माइंड इटसेल्फ, जो आपके दिमाग के अंदर से ही उत्पन्न होती है, दिमाग के अंदर से ही पैदा होती है। तो वो यहाँ राइटर कह रहा है कि मेरा बॉडी जो है इन छोटे छोटे फ्रूट्स के थ्रू जो हमें प्लेजर दिया गया उससे तो खुश हो गया है, लेकिन मेरा माइंड अभी भी कहीं ना कहीं राइट हैप्पीनेस को खोज रहा है जो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं से आएगी। तो अब वो क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, माइंड इज़ लाइक एन ओशन,
आपका जो दिमाग होता है वो ओशन की तरह होता है, सागर की तरह होता है, समुद्र की तरह होता है. वेयर ईच क्रीचर लिविंग ऑन लैंड हैज़ काउंटर पार्ट इन वाटर. तो उनका कहने का मतलब ये है कि ओशन में जो भी क्रीचर्स हैं उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो लैंड पे हैं. लैंड के जितने भी क्रीचर्स हैं उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो ओशन के अंदर हैं. ठीक. हाउएवर द माइंड कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर डिफरेंट लैंड एंड डिफरेंट ओशन विद क्वाइट सरपास ऑफ द रियल लैंड एंड रियल ओशन. Mind reduce everything that has been created to nothingness, giving rise to fresh vigorous thought in the shade of a green tree. तो कुल मिला के यहाँ राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉडी प्लेजर फील करती है वो प्लेजर जब आपके दिमाग के अंदर जाता है तो दिमाग उस प्लेजर को देख के अपना एक अलग तरीके की हैप्पीनेस क्रिएट करता है अपने लिए. क्योंकि जो भी आप प्लेजर बाहर से फील करते हो, जो भी चीज़ें आप बाहर फील करते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बॉडी पे पड़ता है. जब बॉडी को हैप्पीनेस फील होती है, बॉडी को प्लेजर फील होती है, तब माइंड जो है अपने लेवल का हैप्पीनेस उस हैप्पीनेस से क्रिएट करता है जो आपकी बॉडी ने फील किया. तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, राइटर यहाँ सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि जब आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, आप बॉडी आप फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, तब जो है आपका माइंड एक विगोरस थॉट, फ्रेश थॉट जनरेट करने में सक्षम होता है. मतलब तभी आपका माइंड जो है एक अच्छा फ्रेश विगोरस एंड बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट जनरेट करेगा जब आपकी बॉडी में अच्छी फीलिंग क्रिएट होगी, जब आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, जब आप फिजिकली अच्छा फील करोगे. तो उसके लिए जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, जो आपका गार्डन है प्लेस, उससे खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती जो कि आपके फिज़िकल बॉडी को भी प्लेजर देती है और आपके मेंटल जो कंडीशन है आपको उसको भी प्लेजरेबल या हैप्पीफुल स्टेट में लेके जाती है. तो यहाँ पे कुल मिला के उन्होंने फिज़िकल और बियॉन्ड फिज़िकल की बात की है. ठीक. मेटाफिज़िकल की बात की है. एक तो है जो फिज़िकल वर्ल्ड है, आपके अगल बगल जो फ्रूट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो टेस्ट है उन फ्रूट्स का आपके बॉडी को प्लेजर दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है वो भी उस प्लेजर के अंदर से अपना काउंटर पार्ट क्रिएट करता है और अपने लिए एक फ्रेश विगोरस थॉट को अराइज करता है जो माइंड को आपके प्लेजर देता है. और वो इन शेड्स ऑफ ग्रीन ट्री के अंदर बैठोगे, जब आप अपना वक्त दोगे इन पेड़ों के बीच में और गार्डन के बीच में, तभी जो है आपका माइंड है वो प्लेजर फील कर पाएगा. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये भी स्टैंजा समझ में आया होगा. आई होप कि बहुत ही लंबा हो जा रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन. तो ये तीन जो स्टेंजा हैं उनको हम कल देख लेंगे. थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो इसकी राइम स्कीम है इस पोएम की वो है ए ए बी बी सी सी डी डी. इन इस पोएम में जो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कहो कि अगर डिटेल्ड एनालिसिस में जाएं तो किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है. सबसे पहले सिंबल्स का यूज़ किया गया है. ग्रीन कलर का जो सिंबल है वो आपको फ्रेशनेस दिखाता है और ट्रैंक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ जो पाम, ओक और बे लीव्स जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था, तो उसमें जो पाम, ओक और बे का जो है वो सिंबलाइज करता है बैजेस और ऑनर को रिप्रेजेंट करता है. फिर सेकंड स्टैंजा में उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया था. सो पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है क्वाइट एंड इनोसेंस को उन्होंने पर्सोनिफाइड किया था. फिर फोर्थ स्टैंजा में भी उन्होंने लव को पर्सोनिफाइड किया था और उन्होंने वाइट कलर और रेड कलर को रिप्रेजेंट किया, मतलब कि उस तरीके से वो ग्रीन कलर से इन्फीरियर हैं. तो यहाँ पे लव को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है.
उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है, माई सोल इन टू द बाओ गोज गाइड, ये आगे चल के आएगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया, उसको मैं आपको एक नोट बना के दे दूँगी कि किन किन चीज़ों का मेटाफर कहाँ यूज़ है, पर्सोनिफाई कहाँ, पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज़ है, चाहे सिम्बोलिज़म का कहाँ कहाँ यूज़ है, फिर मेटाफर का कहाँ है, इमेजरी क्या क्या है, तो ये सारे मैं नोट्स फॉर्म में कल के लेक्चर में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से भी रेफरेंस लिया था, जो हमने कल बात किया, अपोलो, डेफने और पैन, सिरिंक्स, इनका माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी से इन्होंने इसमें यूज़ किया है। सो यस, यही थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्शन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और कल आई होप कि इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।